तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 इजी वेज टू सिंपलीफाई योर लाइफ। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वो सब लोग जो मुझे पहली दफा देख रहे हैं, हेलो वेलकम। मेरा नाम मासूमा है और मैं इस चैनल के ऊपर लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुँच सके। तो ओवर द टाइम हम लोग अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट डेवलप कर लेते हैं या कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करें, ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना होने दें। तो नंबर वन इज़ टू प्लान अहेड। अगर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें या अगर आप करते हैं तो उस प्लानिंग को मज़ीद इफेक्टिव कर लें। प्लानिंग में आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों शामिल हैं। शॉर्ट टर्म प्लान में आपके जो भी डे टू डे लाइफ के चोर्स हैं उनको प्लान करना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कुक तो क्या कुकिंग करनी है, उससे रिलेटेड क्या ग्रोसरीज लेनी है। और लॉन्ग टर्म प्लान में अगर आपका कोई बड़ा प्लान है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्लान टू मूव, तो उन सब चीज़ों को आपने प्लान करना, उनके बारे में बजटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा हैसल से बचा लेंगे। सो वंस यू हैव प्लान्ड इट ऑल, नंबर टू इज टू मेक अ फ्लेक्सिबल रूटीन। हमेशा कोशिश ये करें कि अपने रूटीन को या जो भी आप अपना प्लान बनाएं उसको फ्लेक्सिबल रखें। याद है जब बचपन में हम टाइम टेबल बनाया करते थे और कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया करते थे? दैट वॉज प्रॉब्ली बिकॉज हम बनाया करते थे कि जी 4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर 4 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। तो वो जो एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल होता था तो वो अल्टीमेटली हम फॉलो भी नहीं करते थे। तो ऑलवेज मेक श्योर टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, ऐसे गोल्स जो कि आप अचीव कर सकते हो, आपके लिए पॉसिबल हो करना। तो अपने एक टाइम टेबल को जो है वो उस हिसाब से सेट करें जिस हिसाब से आप उसको फुलफिल कर सकें। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर, पर अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर द टॉप एम सेट करना या गोल सेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। बिकॉज वंस यू आर अनएबल टू अचीव देम आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। नंबर थ्री इज टू डोंट ओवरली मल्टीटास्क। Now I'm gonna make a video on productivity habits, जिसके अंदर I'm gonna discuss multitasking in much more detail. और multitasking is great when you do things that don't require attention to detail. Multitasking का मतलब होता है जी एक साथ बहुत सारे काम करना। ये हम लोग जो है वो जानते हुए ना जानते हुए कर ही रहे होते हैं, और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी देखा है कि जी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग चल रही होती है, एक टाइम पे जी 10-10 काम हो रहे होते हैं। पर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने से बेसिकली आपका जो ब्रेन है वो थकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मल्टीटास्किंग तब करें जब हर टास्क जो हम एक साथ कर रहे हों वो बहुत ज़्यादा फोकस ना मांगता हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन ना मांगता हो। क्योंकि इस तरीके से होता क्या है कि हमारा ब्रेन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क जंप करता रहता है। हम किसी भी एक टास्क को जो है वो अप टू इट्स फुल पोटेंशियल टू 100% नहीं कर पाते। नंबर फोर इज़ टू मेक स्पेस फॉर एवरीथिंग। हर वो चीज़ जो आपकी पजेशन में है, आप ओन करते हैं, आपके घर में है, कोशिश करें कि हर उस चीज़ की कोई ना कोई जगह डेडिकेटेड हो। तो अगर किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है तो मोस्ट प्रॉबली वो चीज़ आपके लिए तो एक्सेसिव है या आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। टू मेक श्योर टू गेट रिड ऑफ इट या उसको डोनेट कर दें। आई एक्चुअली डिड एन एंटायर वीडियो ऑन थिंग्स टू गेट रिड ऑफ, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम गोना लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट वीडियो। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं ऑल दोज थिंग्स जो हमारे लिए वाइट नॉइज बन जाती हैं, क्लटर बन जाती हैं। सो नंबर फाइव इज टू डील विद योर मेस राइट अवे। चीज़ों को पाइल अप नहीं होने देना है, कामों को जमा नहीं करना है। वो सारे काम जो आप हाथ के हाथ कर सकते हैं कोशिश करें उनको कर लें, बिकॉज जब हम कोई चीज़ कल के लिए छोड़ देते हैं, वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके माइंड के ऊपर उसका बर्डन रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि आपको करना है करना है करना है। आपका ब्रेन आपको बार बार नैग करेगा, और जब आपको बार बार नैग करेगा जो काम आपको उस वक्त करने के हैं वो नहीं कर पाएंगे, आप उस मोमेंट के अंदर कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जो काम आपके बिल्डअप हो रहे हैं कोशिश करें कि उनको बिल्डअप ना होने दें, और जो चीजें आप कर सकते हैं वो कर लें ताकि आप रिलैक्स फील करें, इजी फील करें, और जो काम कर रहे हैं उसको परफेक्टली कर सकें। नंबर सिक्स इज टू कीप योर हिडन प्लेसेस ऑर्गेनाइज्ड। वो सारी चीज़ें जिनको हम बंद कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कबर्ड हो गया, आपके कैबिनेट्स हो गए, यूजुअली हम उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनके कबर्ड्स और कैबिनेट्स हमेशा बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट वे
टू कीप योर लाइफ मच मच मोर सिंपलर, क्योंकि इस तरीके से आपका एक्सेसिव टाइम वेस्ट नहीं होता, एक्सेसिव आपका कोई फ्रस्ट्रेशन डेवलप नहीं होती व्हेन यू नीड टू गो आउट. आपको पता होता है वेयर योर थिंग्स आर, सो यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दैट एक्स्ट्रा थिंग्स टू गेट टू वन थिंग दैट यू रियली नीड. नंबर 7 इज टू कैरी लेस. By carry less, I mean literally carry less things whenever you are going out for something. Just don't carry everything with you. You don't need, you know, all those things that are lying in your purse right now. अपने जो bags हैं उनको simplify कीजिए, because it also leads to a mental clutter. आप अपना एक wallet रख लें, उस wallet के अंदर सारे cards organize कर लें, जो cards expired हैं, use नहीं करते हैं, उनको नहीं carry करें. पैसे कैरी करते हैं तो पैसे रखें. इसके अलावा भी आप अपने आउटफिट्स प्लान कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन या आप यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं. इट्स वन लेस थिंग टू डू इन द मॉर्निंग एंड इट जस्ट रियली रियली सिंप्लीफाइज योर लाइफ. नंबर 8 इज़ टू इन्वेस्ट इन न्यूट्रल्स. न्यूट्रल से आई मीन न्यूट्रल कलर्स, जो आपका स्पेक्ट्रम है जी, ब्राउन्स हैं, बेज हैं, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, उसके अलावा ग्रे के कुछ शेड्स हैं. तो ये सब वो न्यूट्रल कलर्स हैं जो यूजुअली आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. इसमें स्पेशली आपका फुटवेयर हो गया, आपके पर्स हो गए, सो इट जस्ट सिंप्लीफाइज योर लाइफ बिकॉज यू जस्ट डोंट नीड टू मेक दैट डिसीजन टू मैच एवरीथिंग अप. यूजुअली आपका एक बेज कलर का बैग ऑलमोस्ट बहुत सारे कपड़ों के साथ चल जाता है. इसी तरीके से फैंसी क्लोथिंग आइटम्स में आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि जी आप एक गोल्डन पर्स ले लें, एक सिल्वर पर्स ले लें एंड यू आर गुड टू गो, या मे बी एक ब्लैक पर्स ले लें एंड यू आर ऑलमोस्ट गुड टू गो. आई एम नॉट सेइंग डोंट बाय कलरफुल स्टफ एंड थिंग्स दैट यू रियली लव. आई ओन देम, आई विल हाईली हाईली recommend that if you want to go for it, but keep neutrals in your wardrobe. They just make your life much more simpler and you can make even more outfits from the things that you own in your cupboard. एक पूरा concept है capsule wardrobe का, जो कि अभी कुछ दिनों पहले YouTube के ऊपर बहुत trend भी किया. उसमें चंद न्यूट्रल पीसेस से हमने देखा कि लोगों ने पूरे हफ्ते या पूरे महीने के कपड़े बना लिए. सो दैट्स ऑल्सो अ रियली गुड वे इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू दैट स्पेक्ट्रम. नंबर 9 इज समथिंग विच आई विल हाईली रिकमेंड इज टू क्लियर योर ई स्पेसेस. By e-spaces, I mean your emails, your phone, your excessive apps that you don't use, वो सारे games जो कि आपने download किए थे या आप खेलते थे, आप नहीं खेलते हैं, उन सब वो सारी emails जिनको आपने subscribe कर लिया था, उन सबको एक दफ़ा just go through them and unsubscribe them. आपके पास जो भी extra pictures हैं आपके मोबाइल के अंदर, जी हज़ारों पिक्चर्स होती हैं जो स्टोर हो जाती हैं, उनको गो थ्रू करें. जस्ट डिलीट ऑल द एक्सेसिव फोटोज़, वो सारी फ़ोटोज़ जिनसे आपकी कोई खास मेमोरी नहीं है, या जो फॉरवर्ड मैसेजेस हैं या जो फॉरवर्ड वीडियोस हैं, वो सारे फ़ोटोज़ या वो सारी वीडियोज़ जिन जो आपके आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रखेंगी या आप उनको चेरिश नहीं करेंगे, जस्ट डोंट कीप देम विद यू. वो सिर्फ स्पेस घेर रहे हैं, आपके मोबाइल को स्लो कर रहे हैं. सो जस्ट मेक श्योर टू गो थ्रू योर सेल फोन एंड डिलीट ऑल द अननेसेसरी एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू प्रॉब्ली हैव इन देयर. नंबर 10 इज टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी कोई सेल्फ केयर रिचुअल हो, ऑल्दो सेल्फ केयर रिचुअल आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन हो सकता है, बट इन दिस पॉइंट आई जस्ट मीन गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. आप अपने काम करने के दरमियान थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, यू नो, टेक टाइम टू योर सेल्फ, मे बी जस्ट टेक टाइम टू वेस्ट. आधा घंटा बैठें कुछ भी ना करें, आधा घंटा लेट जाएं कुछ भी ना करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ करें. यू आर अ ह्यूमन बींग, यू आर नॉट अ रोबोट. तो अपनी लाइफ को जो है वो सिंप्लीफाई करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, यू नो, जस्ट इन्जॉय एवरी मोमेंट एवरी डे, बिकॉज यू नो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग एंड एवरी मोमेंट इज़ अ ब्लेसिंग. और इसके साथ ही आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी अच्छा लगा जो भी बुरा लगा मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक. और आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर.